हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभी शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर दोस्ती और डिप्लोमेसी का नया चैप्टर लिख रहे हैं। ढाका में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। इसके बाद वो सीधे वॉर मेमोरियल पहुंचे और 1971 की जंग में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने पाकिस्तान से आजाद होने के लिए लड़ी गई जंग में अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके बाद पीएम ने वॉर मेमोरियल पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच मजबूत होती दोस्ती का पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ढाका के एक होटल में मौजूद बोहरा समाज के लोगों ने पीएम का सम्मान किया। इस दौरान पीएम ने बच्चों से भी मुलाकात की। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी मेरे जो भाई हैं, ये सब बांग्लादेश के नागरिक हैं और हम लोग सब सैयदना साहब का सलाम लेके उनसे भेंट करने के लिए आए थे। तो हम सोच रहे थे कि ये कोरोना के वक़्त में कैसे उनसे मुलाकात हो पाएगी, डिस्टेंस होगा, कैसे हम मिल पाएंगे। लेकिन वो तो गाड़ी से उतरे और ऐसा है जैसे कोई मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, बहुत ही हम्बल इंसान कोई उतरा है और वो रेड कारपेट छोड़ के सब पब्लिक के पास आ गए। कोई भी पीएम अपनी सिक्योरिटी का पहले ख्याल करेगा, लेकिन वो हमसे आके मिले। ये बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस का 50th साल है, तो उसके जश्न में और मुबारकबादी के लिए वो या बांग्लादेश आए हैं। यहाँ की गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत मुबारक हो, शेख हसीना को, उन सबको जो मुजीबुर रहमान है जो यहाँ बंगा बंधु है, उनके 100 वर्ष भी उनके बर्थ सेंटेनरी है, उसकी मुबारकबादी। तो हमने सैयदना साहब का सलाम भी पहुँचाया और मोदी साहब ने इतने अच्छे से हमारे से बात की, हमने शाल उड़ाई उनको, हमने सैयदना साहब की जो विज़िट है 30 साल से बांग्लादेश में नहीं हुई है, तो उसकी रिक्वेस्ट की कि आप हमारी दाऊदी बोहरा समाज की तरफ से आप रिक्वेस्ट करना हुकूमत को कि मान और गौरव के साथ सैयदना साहब की विजिट हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर करूँगा। तो उत्साह आपने देखा, खुशी देखी और जिस मुलाकात का ये जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, मुलाकात की, उसको लेकर वहाँ मौजूद हर शख्स गदगद है क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात कुछ इस तरह से संभव हो सकती है। और जिस वक्त पीएम मोदी ढाका के होटल पहुंचे उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। वहाँ मौजूद बच्चों ने पीएम को वेलकम किया और प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ कैसे मुलाकात की ये तस्वीर आपके सामने है। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर जो मुलाकात हो रही है, विदेश मंत्री के साथ जो मुलाकात हो रही है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये तस्वीरें भी बेहद खास हैं। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब एक बच्ची के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पीपल टू पीपल कनेक्ट बनता है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। विदेश मंत्री के साथ जो मुलाकात हो रही है उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। 2 दिन का ये खास दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अब वो तस्वीर आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है जिसको लेकर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो भी मुलाकात करता है वो यादगार बन जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ लोगों के बीच पहुँचे तो एक बच्ची के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसका ना सिर्फ हालचाल जाना, उससे काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। 7 साल की एंजेलिका ने क्या कहा सुनिए। भारतीय समुदाय जो मौजूद, आपका नाम क्या है? एंजेलिका। एंजेलिका कितने साल के हैं आप? 7। आप नरेंद्र मोदी जी से अभी मिले, क्या कहा उन्होंने, कैसा लगा मिलकर? उन्होंने पूछा आप कैसे हो, आपका नाम क्या है? मैंने बोला मैं ठीक हूँ, मेरा नाम एंजेलिका। सही बात हुआ आपका। हाँ। आपको अच्छा लगा मिलकर? बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान कई इंडियन वॉर वेटरन्स भी इस सेरेमनी में मौजूद थे। ढाका में मौजूद हमारे संवाददाता पवन नारा ने ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह और मेजर जनरल नायर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इंडियन वॉर वेटरन्स भी यहां पहुंचे हैं, यहां मेमोरियल पे अपने वार्थलिंग सेरेमनी में हिस्सा हुए हैं। ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से याद करेंगे उन लम्हों को, आज 50 साल पूरे हुए हैं बांग्लादेश के और आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या उस वक्त मंजर था और किस तरह से बांग्लादेश ने पिछले 50 साल में उन्नति प्रगति की? ये एक ऐसा टाइम था कि सब कॉन्टिनेंट में 2 आज़ादी मिली, एक 1947 में जबकि 2 देश आज़ाद हुए और 71 का जो आज का दिन है
आज के दिन एक नए बच्चे का 9 महीने के स्ट्रगल के बाद एक नया देश पैदा हुआ जो है बांग्लादेश, उसकी बड़ी स्ट्रगल है। 71 वॉर में हम इनके साथ पूरा जोर शोर थे, मुक्ति वाहिनी के साथ थे और इनके साथ कंधे से कंधा लेके इन देश को लड़ाई जीतने में हमने पूरा सहयोग किया। जिस हम हर आर्म सर्विस से आते हैं, हर आर्म सर्विस ने अपनी अपनी जगह मुक्ति वाहिनी के साथ लड़के, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री उस टाइम पे इंदिरा गांधी थे, मानेक शाह हमारे चीफ थे, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे, उनके ऑर्डर के मुताबिक हमने अपना टास्क जो है 14 दिन में पूरा करके एक नया देश पैदा कर दिया, जो कि आज ये बच्चे जो सब खड़े हैं इस नए आज़ादी का जो है लुत्फ ले सकते हैं। मेजर जनरल नायर हमारे साथ हैं, जो सबसे सीनियर वॉर वेटरन हैं, यहाँ पहुँचे हैं। सर, किस तरह उस लम्हे को याद करेंगे आज से 50 साल पहले, जब यहाँ 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले, एक नए बांग्लादेश का जन्म हुआ? Well, हम ये समझते हैं कि हम मार्च 1971 से लेकर जो हमारे फौज यहाँ पे जो ऑपरेशंस किया है और कई लोग मरा, कई लोग घायल हुआ, हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है, टास्क परफॉर्मेंस है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये बांग्लादेश गवर्नमेंट, ये बांग्लादेश के लोग हमारे जो काम किया है उसको माना है। हाय, I'm Surbhi Sharma। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।